हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो मेरा नाम है आशीष और मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत मेरे कॉलेज में बहुत ही जो मेरे जूनियर्स थे वो बहुत ही वरी थे सेमेस्टर एग्जाम्स को लेके, तो पूछ रहे थे भैया मुझे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करें। तो मेरे पास बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो आपको बना देता हूँ और मेरा रिव्यू क्या रहा है प्रिपरेशन का। सो आपके पास अगर बहुत कम समय है तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको कहाँ से पढ़ना है, क्रैश कोर्स करना है। तो सेमेस्टर एग्जाम का जो ब्रह्मास्त्र है इसे बोल सकते हैं आप लोग, मैंने कैसे किया था। अभी फिलहाल मैं तो थर्ड ईयर में हूँ, मैं सेकंड ईयर का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप लोग को कैसे प्रिपेयर करना है। तो 5 मिनट तक आप लोग इस वीडियो में बने रहे, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन, मैंने कैसे प्रिपेयर किया था और कैसे मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किया था, आपको सब चीज पता चल जाएगी। ठीक है, तो मैं एक वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ, एफओसी लर्निंग। ठीक है, ये क्या है वेबसाइट, किसके बारे में? ये वेबसाइट है, मैं इसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, आप लोग जाके यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो क्या है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ये वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बहुत ही कम समय बचा है और आप लोग चाहते हैं कि जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, आई थिंक सेकेंड ईयर में मेरा यही सब्जेक्ट था जो मैंने जो यहाँ पर दिया था, मैंने यहाँ से जो है CSS और COA का कोर्स दिया था, यहाँ से मैंने पढ़ा था। तो आपको क्या है, अगर बहुत कम समय है तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं, क्रैश कोर्स को यहाँ पर ले सकते हैं। क्रैश कोर्स का अगर देखा जाए तो साइज क्या है, 5 घंटे की है, बहुत ज़्यादा नहीं, 4 घंटे की है, 4 घंटे की है। तो आपके पास अगर मिनिमम 4 से 5 घंटे बचे हैं एग्जाम के पहले, तो आप लोग उनको छोटे छोटे वीडियोज है 5-5 मिनट के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और बात करें आगे तो क्या है, मैं लिंक जो है आपको वीडियो में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आती है बहुत लोगों की, भैया इस पर ट्रस्ट क्यों किया जाए, ये वेबसाइट फेक भी तो हो सकती है। नहीं, यहाँ पर आपके पॉजिटिव जो है रिव्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पॉजिटिव रिव्यूज़ क्या हैं। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव रिव्यूज़ की बात करूँ यहाँ पर, तो पॉजिटिव रिव्यूज़ की मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए, मैं जैसे ये कोर्स उठा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग होम में चले जाइए, होम में जाने के बाद देखेंगे तो यहाँ इस वेबसाइट के रिव्यूज़ आप लोग देखिए, यहाँ पर देखिए इसके रिव्यूज़ आप लोग देखिए बस। तो आई थिंक रिव्यूज अच्छे हैं और मैंने भी तो यहीं से पढ़ा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या है, बहुत ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस जो है इनको इंक्लूड किया गया। इसको बनाने वाले भी बीटेक के जो है, बीटेक के जो पास आउट है वो इन्होंने इसको बनाया, तो उनको अच्छे से पता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, जैसे COA हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, DSTL हो गया, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी हो गया। तो बहुत छोटे छोटे कोर्स को डिवाइड किया गया, 4 घंटे 5 घंटे के, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक को इंक्लूड किया गया जो बहुत ज़्यादा बार पूछते हैं। ठीक है, तो उसके आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, आप लोग चाहे जब इसको सीख सकते हैं। अगर आपके पास बहुत कम समय बचा है 4-5 घंटे, आप लोग जाइए छोटे छोटे वीडियोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखिए, बेस्ट इंस्ट्रक्टर के वीडियोज है हिंदी में है और छोटे छोटे वीडियोज है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस टाइम आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है जो भी है आपको उसके बारे में, आपको क्रैश कोर्स जो है वहाँ से देखिए, फट से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। ठीक है, और मेरी स्ट्रेटजी क्या रही थी, मैं जो है 60-60 मिनट आप लीजिए, 30-30 मिनट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं 1 घंटे पढ़ता था, वीडियोस देखता था, 1 घंटे थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस कर लेता था, फिर 1 घंटे वीडियोस, मतलब 5-5 10-10 मिनट की होती है वीडियोस। तो यहाँ पर देखेंगे तो वीडियोस की साइज जो है बहुत छोटी होती है। अगर बात करें, मैं ये सब्जेक्ट उठा ले रहा हूँ, तो देखो जैसे ये सब्जेक्ट आ गया कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी क्रैश कोर्स इन जस्ट 4 आवर्स। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर, देखिए जैसे यूनिट 1 में बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक 1 है, यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा हुआ है, तो इनको सबसे पहले आपको विजिट करना है, सबसे पहले आपके पास अगर कम टाइम है सबसे पहले इन टॉपिक्स को आपको कवर कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी है कि इफ यू ओनली वांट टू पास देन वॉच वीडियोस फ्रॉम यूनिट 1, 2 एंड 5 से देख सकते हैं, आप डेफिनेटली पास आउट हो जाएंगे। एक यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5 को आप लोग पढ़ लेंगे, तो यूनिट 2 में भी कुछ इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले को पहले पढ़िएगा, उसके बाद टाइम बचेगा तो इंपॉर्टेंट। और वीडियो की लेंथ की बात करें तो 8 मिनट की, 5 मिनट की, मतलब विद इन 10 मिनट छोटे छोटे वीडियो है, 5-5 मिनट के वीडियोज है, आप लोग देख सकते हैं। और 5th यूनिट बहुत ही छोटा है, देखिए यहाँ पर सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले 4 है, इसको पहले देखिए उसके बाद ये इंपॉर्टेंट वाला देख लीजिएगा। ठीक है, तो हो गया आपका 1, 2 और 5 यूनिट पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास टाइम बचता है, इन केस आपको ज्यादा स्कोर करना है। अगर 3 यूनिट भी पढ़ लेंगे, यूनिट 1, 2 एंड 5, तो आप पास हो जाएंगे डेफिनेटली, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसमें देखिए कुछ पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर, आप इसको डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। और कॉपी कैसे एग्जाम में लिखना है, सबसे बड़ी बात ये होती है, टिप्स एंड ट्रिक कोई नहीं बताता, इसको देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में कॉपी लिखना कैसे है। ठीक है, तो आपके पास टाइम बचेगा तो यूनिट 3 और यूनिट 4 से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लीजिएगा, अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ जो है
यूनिट वन और यूनिट टू और यूनिट फाइव को आप लोग विजिट कर सकते हैं, यूनिट वन, यूनिट टू और यूनिट फाइव को, ठीक है। तो आगे मैं आता हूँ बताता हूँ। तो मैं ऐसे करता था, 1 घंटे वीडियोस लगातार देख लिया, 1 घंटे प्रैक्टिस कर लिया, छोटे छोटे वीडियोस होते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियोस को थोड़ा रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और बाद आते हैं जो है कि अगर आपके पास बहुत ही कम समय बचा है तो आप लोग उसको देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क वाली वीडियो जो मैंने बताया, वैसे करके आपको देखना है, ठीक है। और इस टाइम को आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सब लोग लास्ट टाइम पे आके पैनिक हो जाते हैं, सारा चीज मिसअप कर जाते हैं, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है आपको, ठीक है। क्रैश कोर्स क्या है, क्रैश कोर्स जो है जो वेबसाइट वाले हैं, इन्होंने काफी अच्छे से डिजाइन किया है इसको, ठीक है। आपको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, यहाँ पर 5 5 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, 5 मिनट की, 6 मिनट की, छोटे छोटे वीडियो है, आपको देख लेना है, ठीक है। देख के एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, हाँ बात करते हैं बाई कोर्सेस की। तो बहुत लोगों ने पूछा भैया ये तो पेड है, तो मैंने कहा हाँ पेड तो है भाई, 199 आई थिंक तुम्हारा एक सेमेस्टर का पूरा फीस का, मतलब इतना तो बहुत ज्यादा नहीं है, और अगर आप बैक लगता है तो उससे ज्यादा आपको 1000 मतलब 1000 1500 रुपये आपको बैक पेपर में चला जाता है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, ऐड टू कार्ट करना है आपको। देखिए ऐड टू कार्ट मैंने कर लिया, तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन है क्या है कि मैंने अकाउंट मेरा बना हुआ था, मैंने बना लिया, आपको अकाउंट बना लीजिएगा, 1 मिनट का काम है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, चेकआउट पे जाइए, अपना इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गया हूँ और मैंने इन्फॉर्मेशन को जो चेकआउट किया है मैंने यहाँ पर, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन को फिल कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है आशीष, और आशीष फिर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर चूज कर लेंगे जो भी है, 1 मिनट का काम है दोस्तों, कर लीजिएगा आप लोग। बात करें ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैंने फिलअप कर दिया है, सारा चीज हो गया। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, ये वाला देखिए, इस पे करेंगे तो थोड़ा इशू अभी इस पे नहीं वर्क कर रहा है, आप लोग इसको करेंगे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वाले क्लिक करके यहाँ से जो है कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस हो रहा है आपका, थोड़ी देर में प्रोसेस हो जाएगा, तो जब तक प्रोसेस रहा मैं बता दे रहा हूँ। तो आपने ऑप्शन को क्या करना है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर वाला ऑप्शन को चूज कर लेना है, ठीक है। और क्लिक ऑन पे करेंगे आपका फाइनली हो जाएगा, उसके बाद आपको पेजेस नाम के सेक्शन में जाके ब्लॉग नाम के सेक्शन में जाना है। जैसे देखिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ देखिए या गाइस, सो यहाँ पर हमारा हो गया है, यहाँ पर दिख रहा है सक्सेसफुल, यहाँ पर दिख रहा है कि हमने कब परचेस किया था, हमारा ऑर्डर नंबर ये है, मार्च 20, ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो ये देखिए ये बैंक अकाउंट है, आप चाहे तो बैंक अकाउंट से ट्रांसफर, लेकिन मैं इसको शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका, देखिए इन्फॉर्मेशन आ गया सारी चीजें, ये मेरा इन्फॉर्मेशन है। तो अगर मैं बात करूँ, मैं अपने डैशबोर्ड में आता हूँ, डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पर शो होगा कितने इनरोल कोर्सेस हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी कोर्स परचेस किया है, अभी यहाँ पर स्टेटस क्या दिख रहा है, यहाँ पर स्टेटस दिख रहा है ऑन होल्ड, अभी क्या दिख रहा है, ऑन होल्ड। तो अभी अब तक अभी पेमेंट हुआ नहीं है, तो अभी ये ऑन होल्ड दिखेगा, जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो सारी चीजें आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, पेजेस सेक्शन में जाके ब्लॉक सेक्शन में जाना है, ठीक है। तो हम लोग पेजेस सेक्शन में जाके ब्लॉक सेक्शन में जाएंगे, देखिए यहाँ पर एक पेजेस नाम का सेक्शन दिख रहा है, उसके अंदर ये ब्लॉक सेक्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, पेजेस नाम के सेक्शन में जाना है, ब्लॉक सेक्शन में जाना है, फिर आपको एक क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्यूआर कोड, तो यहाँ पर क्यूआर कोड पे क्लिक करें, आपका क्यूआर कोड खोल के ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, क्यूआर कोड को स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आपको ये यूपीआई आईडी मिल जाएगी, ठीक है। अपना नेम इनपुट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कम जब आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर इसको स्कैन करेंगे तो मोबाइल में खुलेगा, तो ऐड कमेंट में अपना पेमेंट डाल के इसको कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैन करना है क्यूआर कोड को, करने के बाद अपना नेम जो है इनपुट बॉक्स में कर देना है, पेमेंट कंप्लीट कर देना है। उसके बाद डैशबोर्ड सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर ऑन होल्ड अभी दिख रहा है, 5 से 10 मिनट लगता है इसको प्रोसेस होने में, उसके बाद कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, 5 मिनट आपको वेट करना है, ठीक है। कोई भी इशू आता है, आपको ये नंबर दिया हुआ है कंपनी का, इस पे आप लोग जो है इसको व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, आपका रिजॉल्व हो जाता है। यहाँ पर मतलब कस्टमर केयर का सपोर्ट काफी अच्छा है, ठीक है। तो यही रहता आज की वीडियो में, तो इसको स्कैन करके आप लोग जैसे ही पेमेंट करेंगे तो उसके बाद आप लोग डैशबोर्ड में आके जो है कि यहाँ पर आएंगे और ऑर्डर हिस्ट्री में क्लिक करेंगे, तो ये आपका जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ये जो कोर्स है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी प्राइस दिख रहा है, उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग के नाम से शो होने लगेगा, आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो करना क्या है, यूनिट वन से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेना है, हिंदी में है वीडियोस और बहुत ही स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट वीडियोज है, और यूनिट टू से कुछ टॉपिक्स को पढ़ लेना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स है, और यूनिट फाइव में से पढ़ लेना है, ठीक है।
उसके बाद जो है यहाँ से ये वाला वीडियो देख लेना कि कैसे कि एग्जाम में हम लोग कॉपी लिखना ताकि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है। और यहाँ पर पेपर है प्रीवियस ईयर, आप इसको देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो ये मेरा आपकी तरफ से था, मैंने सोचा आप वीडियो बना दो, बहुत लोगों को हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो यही है, मैंने बताया ना कि 5 से 10 मिनट लगता है आपको पेमेंट करेंगे जब क्यूआर कोड से, तो 5 से 10 मिनट बाद आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका जो है कस्टमर केयर का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप करके मतलब कोई भी करेंगे तो आपका क्वेरी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना था, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर संस्था एग्जाम, अगर आ रहे होंगे आपके पास कम समय है तो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दीजिए कोर्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी लॉक लगा हुआ है, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे सारी चीजें यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा आज का ये वीडियो आई थिंक आपको काफी हेल्प मिला होगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट है aposlearning.com, यहाँ पर आपको जाना है, ये विजिट करना है, यहाँ पर आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ठीक है गाइस, चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके देन, गुड बाय।